सक्षम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम न्यूज रूम लाइव। न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे ईवीएम की। ईवीएम जिस तरह से एक मुद्दा बना रहा है, इस बार भी चुनाव पूरे देश भर में चुनाव था, लोकसभा का आम चुनाव था। आम चुनाव में लोकसभा में जिस तरह ईवीएम को लेकर कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, कुछ पार्टियों ने आवाज उठाई थी, उसी कतार में एक ऐसी पार्टी है जो ईवीएम के खिलाफ पूरे देश भर में मोर्चा खोले हुए है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुजन मुक्ति मोर्चा जो कि पूरे देश भर में ईवीएम के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहा है। हमारे साथ बहुजन मुक्ति क्रांति के बहुजन मुक्ति मोर्चा के संयोजक अनिल कुमार माने बातचीत के लिए मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अनिल जी, किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे देश भर में जो चुनाव हुआ, आम चुनाव थे, उसको लेकर आपकी जो पार्टी है, आपका जो मोर्चा है, पूरे देश भर में क्रांति के तरह से ये ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, क्या स्वरूप और क्या रूप है इसका? अभी जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो गैर संवैधानिक है जी। ये संवैधानिक नहीं है बल्कि गैर संवैधानिक है। दुनिया में प्रगत राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में बयान किया हुआ है जी। लेकिन प्रगत भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव लेना ये गैर संवैधानिक ही नहीं बल्कि लोकतंत्र पर हमलाकर है जी। इसके विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेहता साहब के नेतृत्व में जी ये परिवर्तन यात्रा 26 जून 2019 को छत्रपति शाहू जी महाराज के जयंती के अवसर पर जी ये कश्मीर से निकली है। ये इसका जो स्वरूप रहेगा वो 500 लोकसभा के अंदर ये परिवर्तन यात्रा चली जाएगी जी। बहुजन क्रांति मोर्चा ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है जी, बल्कि बहुजन समाज के भारत के अंदर जो हजारों संगठन है, हजारों संगठन को साथ में लेकर ये कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म बना हुआ है जी। तो ये परिवर्तन यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चली जाएगी। ये लगभग 6 महीना चलेगी, यानी 180 दिन की ये परिवर्तन यात्रा है जी। और इस परिवर्तन यात्रा में जो टाइटल बनाकर ये परिवर्तन यात्रा निकल रही है ईवीएम भंडा फोड़ परिवर्तन यात्रा। अच्छा, ईवीएम भंडा फोड़ परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन यात्रा जी। तो इससे लोगों के अंदर इस परिवर्तन यात्रा के कारण एक चेतना निर्माण हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में कोई भी राजनीतिक दल जी एजिटेशन प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है जी। और ये जो सामाजिक प्लेटफॉर्म बहुजन क्रांति मोर्चा है, इसके माध्यम से पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में ये आगाज शुरू हो गया है जी। और जो चुनाव आयोग है जी, चुनाव आयोग ने 56 जी 56C और 49AM जी ये गैर कानूनी एक्ट लागू किया हुआ है। ओके, हाँ, ये गैर कानूनी एक्ट लागू किया है, उसके भी विरोध में ये परिवर्तन यात्रा चल रही है। और दूसरी बात, अभी जो मॉबलिंग हो रही है उसका भी एक कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ये लोग जुड़कर आए बीजेपी के लोग। और मॉबलिंग जो हो रही है आइसोलेशन में नहीं हो रही है जी, वो ऑर्गेनाइज वे में की जा रही है जी। अनिल जी अभी तक इस परिवर्तन यात्रा में कितने संगठन और कितने लोगों ने हिस्सा लिया है, कितने लोग जुड़ चुके हैं? लगभग कश्मीर में लगभग 60-70 संगठन उसमें शामिल हुए हैं जी। पंजाब में भी सैकड़ों से ज्यादा संगठन उसमें शामिल हुए हैं जी। अभी अगर वामन मेहता साहब का अगर पेज आप देखते हो सोशल मीडिया पर तो आपको सब जानकारी मिल सकती है जी। हाँ, पूरे देश भर में और भी कई सारी पार्टियां हैं जो देश को बचाने की बात करती हैं, देश के संविधान को बचाने की बात करती हैं, किसी तरह क्यों आपके साथ नहीं खड़ी है? वो बात तो कर रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर एक्शन लेते हैं तो बीजेपी उनके पीछे सीबीआई लगाएगी जी। जैसा मायावती है जी,
मायावती ने बात रखी तो अभी मायावती चुप हो गई, जैसा अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव ने बात रखी, आप चुप हो गया। आपका कहना है कि बीजेपी डर की राजनीति कर रही है, बीजेपी डर दिखा के शांत करा देती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो ये मामला चल रहा है ना, रीजनल पार्टियों को भी खत्म करने का मामला है। अच्छा, प्रादेशिक पार्टी ही खत्म करनी है उनको। अनिल जी, अभी अभी बीजेपी एक देश और एक चुनाव के लेकर काफी चर्चा में रही, काफी उसके लिए योजनाबद्ध रही, विपक्ष ने उसका विरोध किया, आप कैसे देखते हैं उसे? देखो, भारत एक सार्वभौम देश है, भारत के अंदर अलग अलग जाति समूह के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, वो कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन जी। तो ये राष्ट्रपति राजवट लाना चाहते हैं, इससे संविधान को खतरा है, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये राइट नहीं दे रहा जी। कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जाकर ये ऐसी बात रख रहे हैं, क्योंकि संविधान ने वन मैन वन वोट वन मैन दिया है जी। हर व्यक्ति पार्लियामेंट का हिस्सा बन सकता है, विधानसभा का हिस्सा बन सकता है, राज्यसभा का हिस्सा बन सकता है, ये आम जनता वहां तक ना पहुंचे, इसलिए ये राष्ट्रपति राजवट लागू करने के पोजीशन में ये अभी चर्चा शुरू की हुई है इन लोगों ने, जैसा कि कॉमन सिविल कोड बिल है जी, जैसे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जी, ये समान नागरिक कानून कह रहे हैं, तो ये भी उनका उनकी एक पॉलिसी है, ये राजनीति है, एक राजनीति का हिस्सा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए, देखते रहिए सक्षम न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।